तो भाई साहब, एक लंबे गैप के बाद आज मैं वापस आ चुका हूँ इस चैनल पे। और हाँ, मैं जिंदा हूँ और मुझे अपने YouTube का पासवर्ड पता है। एक्चुअली क्या है कि पिछले 2-3 हफ्ते से मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था। और लास्ट वीडियो जो मैंने पुष्पा के ट्रेलर का रिएक्शन किया था, वो भी अपने दोस्त के लैपटॉप से किया था। तो समझ सकते हो स्ट्रगल कितना ज्यादा है अपनी लाइफ में। इसके अलावा भाई, इन 3 हफ्तों में पूरा बम फूट चुका है पॉप कल्चर कम्युनिटी में। मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारी न्यूज आई, रूमर्स आई स्पाई यूनिवर्स को लेके, बहुत सारे ट्रेलर्स ड्रॉप हुए, हॉलीवुड से भी बहुत सारे ट्रेलर्स आए जिनके बारे में अपन बात नहीं कर पाए। क्या मतलब, अगर बात करते भी तो उस पर व्यूज नहीं आते। खैर, जो भी है उसको साइड करते हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। अब पिछले 2-3 हफ्तों में आदि पुरुष के 2 पोस्टर रिलीज हुए जिनके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है। एंड आई थिंक मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि मैं पर्सनली आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये तुम्हारे यूपीएससी के एग्जाम में तो नहीं आने वाला, पर हाँ, फिर भी अगर तुम मूवी देखने जाओगे तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, उसको देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है। एंड हो सकता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत मेंटेन हो जाए और मूवी तुम्हें अच्छी लगे। क्या मतलब मूवी बेकार होने वाली है? देखो, सबसे पहले जो रामनवमी के दिन पोस्टर रिलीज हुआ था, वो तो कुछ खास नहीं लगा। मतलब ठीक ठाक सा, एवरेज सा पोस्टर, इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। और हाँ, मुझे पोस्टर बनाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। पोस्टर के नाम पे मैंने थंबनेल्स बनाए हैं और एक दो फैन आर्ट बनाने की कोशिश की थी, बट वो कुछ खास अच्छा गया नहीं था, तो मैं कोई जज करने वाला नहीं होता। बट एज अ ऑडियंस मैं अपने रिव्यू दे सकता हूँ कि भाई, मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओवरऑल तो भाई तुम ऑडियंस के लिए ही बना रहे हो ना, तो मैं एज एन ऑडियंस जज कर रहा हूँ, तो एज अ रिव्यूअर, ऐसा क्रिटिक मत समझना। अब अगर मैं एज अ क्रिएटर सोचूं, तो हो सकता है कि ये लोग क्रिएटिव चॉइस रही हो कि भाई, वो लोग अपने कैरेक्टर्स को गॉडली दिखाना चाहते हैं, इसी वजह से लोगों ने येलो लाइट भी चाहिए उसकी, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं यूज करनी थी भाई कि पूरे पोस्टर में भी वही हल्दी लगा हुआ दिखे। एनीवेज, इस पोस्टर में सबसे अच्छी चीज थी वो है कैरेक्टर्स के पोस्टर। एंड आई थिंक इस पोस्टर को बनाने के लिए एक रियल शूट रखा गया होगा। एंड तुमको ये भी पता होगा कि भाई, 100 करोड़ का एडिशनल बजट एड किया गया था इस मूवी के अंदर, जब इसका पिछली बार टीजर पिटा था उसके बाद। तो अगर तुम उस 100 करोड़ के एक्सटेंडेड बजट को ध्यान में रखो एंड उसके बाद इस पोस्टर को देखोगे, तो तुम्हारा मन बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि भाई, इस मूवी के अंदर 100 करोड़ का बजट और भी एक्सटेंड किया गया है और इसके काम को और लेवल अप किया गया है। लेकिन बहुत से रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि भाई, जिस कंपनी ने बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 को VFX दिया था, टीजर के आने के बाद जब बजट एक्सटेंड हुआ, तो उसी कंपनी ने इस आदि पुरुष को टेक ओवर कर लिया। बट जहां तक मुझे पता है कि वो लोग भी ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। जो भी डिफरेंस वो लोग क्रिएट करेंगे, वो लाइटनिंग के अंदर हो सकता है या फिर थोड़ा कलर करेक्शन लोग कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन बनाना ईजी नहीं होता। और अगर आप पूरा एनिमेशन ही चेंज करने वाले हो, सिंस आपका पूरी मूवी जो है 3D कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, 2-3 कैरेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब 3D में ही है, तो तुमको एनिमेशन बदलने में सालों लग जाएंगे। और हो सकता है तुम्हें शायद पूरा नया एनिमेशन बनाना पड़े, क्योंकि भाई बेसिक्स ही तुम्हारी गलत है। तुम्हारे घर का अगर ग्राउंड फ्लोर ही बेकार हो जाएगा, तो भाई ऊपर की बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी। एंड उसके अलावा हनुमान जयंती के दिन भी एक और पोस्टर आया था। एंड मैं कहूंगा कि भाई, आदि पुरुष मूवी से ये सबसे बेस्ट पोस्टर लगा मुझे। एंड है भी, क्योंकि इसके अंदर कलर्स के साथ काफी अच्छे तरीके से खेला गया है एंड इवेंचुअली एनवायरनमेंट को भी और बैकग्राउंड को भी काफी सही तरीके से दिखाया गया है। हालांकि अगर तुम निट पिकिंग करने जाओगे, मतलब अगर जूम करके तुम देखोगे, तो तुम्हें बहुत सारी गलतियां दिख जाएंगी, लेकिन उसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे। सिंस अपने को उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपन उसमें कमियां नहीं निकाल सकते, सिर्फ एज अ ऑडियंस रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज नोटिसेबल जो मुझे लगी, जो मैं अभी बताना चाहूंगा, निट पिकिंग नहीं होगी वो, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है अपने को, वो ये है कि भाई, हनुमान जी का पोस्टर तो बहुत सही है। मतलब जैसा कि यूजुअली हम लोग देखते हैं किसी फोटो में जो आपके घर में लगी होती है, मतलब बहुत सारी मूवीज पुरानी और बहुत सारी इमेजेस में भी तुमने देख रखा होगा उस पोस्टर को। बट अगर तुम ध्यान दो ना, तो हनुमान जी की अपर बॉडी ज्यादा फ्लेज्ड लग रही है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बल्कि, एंड लोअर बॉडी यानी कि लेग्स थोड़े कम लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि क्लियरली दिख जाती है, पर अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे और फुल रेजोल्यूशन में देखोगे, तभी नोटिस होगा। अब हालांकि ये दोनों पोस्टर देखने के बाद अपने को अप्रिशिएट थोड़ा बहुत करना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत बुरा माल अपने को मिल सकता था पोस्टर्स के नाम पे, क्योंकि अपन ने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा है टीजर में कि वो कैसे लगते हैं, बट ये पोस्टर काफी सही है उस टीजर के मुकाबले। एनीवेज, ये तो मेरा ओपिनियन था, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसी पोस्टर को लेके तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे अपन बहुत सारी चीजों में बात करने वाले हैं। जून एक बहुत बड़ा मंथ रहेगा अपन पॉप कल्चर एंथुसियास्ट के लिए, तो अपन लगे रहेंगे और डेली वीडियोस लाएंगे। तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो, और लाइक कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। बाकी मेरा नाम है अविनाश, और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।